वेलकम टू टेक बॉन्ड आई टी सोल्यूशन। यहाँ पर हम वीडियो लेकर आए हैं हाउ टू कॉन्फिगर जीमेल इन आउटलुक इफ लेस सिक्योर ऐप डिसेबल्ड इन 2022। अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा या आपको नोटिफिकेशन आया होगा कि जो लोग जीमेल अपना जो जीमेल नॉर्मल अकाउंट होता है जो आउटलुक में यूज़ किया करते थे या अब जो यूज़ करना चाहते हैं, तो अभी रिसेंटली गूगल ने एक सिक्योरिटी अपडेट की बनिस्बत उसने अपने एक फंक्शन को लेस सिक्योर ऐप फंक्शन को डिसेबल कर दिया, जिसका यूज़ करके जिस फंक्शन के यूज़ से हम जो है अपने पॉपअप या आईएमएप अकाउंट को इनेबल कर जीमेल के जो जो जनरल अकाउंट होता है उसको आउटलुक के थ्रू एक्सेस किया करते थे और उसका हम यूज़ किया करते थे, उसी के उस सॉल्यूशन के लिए हमने वीडियो बनाया है। और यहाँ पर उसका अल्टरनेटिव क्या होगा तो उसके लिए हम आपको, चलिए हम शुरू करते हैं, हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप उस कॉन्फ़िगरेशन को इस सिक्योरिटी आ जाने के बाद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने जीमेल अकाउंट के पास आपको ले जाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे मैं वहीं से शुरू करता हूँ जो इस वीडियो को समझाने का मेन मोटो है। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर टू स्टेप वेरीफिकेशन को इनेबल करेंगे। टू स्टेप वेरीफिकेशन क्या होता है? टू स्टेप वेरीफिकेशन जाहिर सी बात है कि किसी ऑथेंटिकेशन को जो है कि दो दो बार जो है दो टू टू सिक्योरिटी मेथड्स के थ्रू एक्सेस करना। यहाँ पर आप देख रहे हैं टू स्टेप वेरीफिकेशन मेरा टर्नड ऑफ है, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसको मैनेज करके और इस पर मेरा पासवर्ड पूछेगा जीमेल अकाउंट का, जो मेरा नॉर्मल पासवर्ड है वहाँ पर यहाँ पर मुझे देना होगा। ये वेरीफिकेशन पे यहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर उसने ऑटोमेटिक ले लिया है। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लेना चाहूँगा, एक OTP जो होगा और OTP मेरे मोबाइल पर आएगा। ठीक है, मेरा OTP फ़िलहाल 2039 76 है, मैं नेक्स्ट करूँगा और आप देखेंगे कि मेरा टू स्टेप वेरीफिकेशन इनेबल देने का फंक्शन हो गया। मैं ऐसे टर्न ऑन करूँगा, मेरा टू स्टेप वेरीफिकेशन इनेबल हो चुका है। मुझे वापस उसी सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहाँ से मैं जाऊँगा और मैनेज के अंदर जाने के बाद मैं दोनों को बंद कर देता हूँ। यहाँ सिक्योरिटी में जाऊँगा, आप देखेंगे कि मेरा टू स्टेप वेरीफिकेशन जो है वो इनेबल है और उसके नीचे एक और फंक्शन इनेबल हो गया जो पहले नहीं दिख रहा था, ऐप पासवर्ड्स। यही वो पासवर्ड है जिसके थ्रू आप जीमेल को अपने आउटलुक पे ऑथेंटिकेट करा सकेंगे। तो इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पर फिर मुझे एक बार पासवर्ड देना होगा जो मेरा नॉर्मल पासवर्ड है, ध्यान रखिए जो मेरा जीमेल अकाउंट का पासवर्ड। यहाँ पर अब मैं सेलेक्ट करूँगा जो भी किस डिवाइस के लिए जो भी है, ये बहुत कॉमन है। यहाँ पर आप कस्टम ले सकते हैं, कुछ भी चीज़ ले सकते हैं। मैं पे अदर लेकर यहाँ पर आउटलुक देना चाहूँगा। आप अपने नाम, अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हैं। जनरेट करते हैं, यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट होगा जो एक बार दिया जाता है इस ऑथेंटिकेशन के लिए, फ़िलहाल इस की के लिए। तो उसको फ़ौरन कॉपी करके और मैं यहाँ पर एक नोट पैड में उसको पेस्ट कर लेता हूँ और उसको मैं डन कर देता हूँ। इतना होने के बाद मुझे अब जाना है अपनी ईमेल सेटिंग पॉपअप्स को अलाउ करने के लिए। तो अब मैं जाऊंगा सेटिंग्स में, ऑल सेटिंग्स में। देखिए पहले हम गए थे मैनेज अकाउंट में, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? गियर वाले आइकन में, और गियर वाले आइकन में सेटिंग्स के अंदर हम जा रहे हैं जहाँ पर ऑल सेटिंग्स अवेलेबल है। यहाँ पर फॉरवर्डिंग एंड पॉपअप आई मैप आपको मिलेगा। पॉपअप को बिल्कुल नहीं छेड़िए, आप नीचे आके सीधे आई मैप को इनेबल करके कुछ नहीं करना है आपको। आप इसको एक की इसको खोल लीजिए कॉन्फ़िगरेशन को, इंस्ट्रक्शन को, या आपको काम आएगा। मैंने यहाँ पे खोल लिया इसको, यहाँ पर मैंने इनेबल आई मैप कर दिया है। मैं सेव चेंजेस करता हूँ और अब मेरा आई एम डन। अब मुझे सीधे कॉन्फ़िगरेशन करना है अपना आउटलुक का। तो यहाँ से मैं आउटलुक में मेरे अकाउंट और भी मेल अकाउंट मेरे कॉन्फ़िगर्ड हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर एक नई प्रोफाइल बनाऊँगा। आप यहाँ से आउटलुक करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं अगर आपके यहाँ पे कोई प्रोफाइल नहीं है, यहाँ से क्लिक करके। और आप जो है कि जो मेथड मैं यहाँ से करने वाला हूँ वो आपको पॉपअप आ जाएगा जैसे ही आप करते हैं। मैंने यहाँ पे एक जीमेल करके लिया और यहाँ पर जैसे ही आप आउटलुक पर क्लिक करेंगे, अगर आपका फ्रेश अकाउंट है आउटलुक, तो यहाँ पर जो है आउटलुक 2013 या 16 जो भी है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यह सही बिल्कुल एज इट इज़ विज़ार्ड आएगा। आप मैनुअल सेटअप में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, पॉपअप में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर अपने ईमेल की इंफॉर्मेशन डालेंगे, अपना नाम डालेंगे और ईमेल एड्रेस gmail.com। यहाँ पर मैं आईमैप सेलेक्ट करूँगा। आईमैप सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आईमैप इनकमिंग के लिए imap.gmail.com। यहाँ पर SMTP यूज़ करेंगे, आउटगोइंग एज़ आउटगोइंग सर्वर। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड यूज़ करने वाला हूँ, वो ऐप पासवर्ड है जो हमने जनरेट किया था। मैं इसको पेस्ट कर दिया, मोर सेटिंग में जाऊँगा, आउटगोइंग सर्वर, माइगोइंग सर्वर, SMTP रिक्वायर ऑथेंटिकेशन को चेक लगाना है, एडवांस में जाके। यहाँ से मैं इनकमिंग सर्वर को SSL 993 ऑटोमेटिक ले लिया है
और यहाँ पर देखिए मैंने एक इसका गाइड खोला था, तो यहाँ पर सब सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं जो मैंने यहीं से खोला था। खैर आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएंगे, बहुत इजी है। यहाँ पे 587 पोर्ट है और यहाँ पर TLS जो है SSL TLS को ये सपोर्ट स्टार्ट TLS है। तो यहाँ पर अपन ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर TLS ले लेते हैं और पोर्ट नंबर क्या है 587 587। ओके चलिए टेस्ट करते हैं हमारा अकाउंट का क्या हाल रहा, और मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर टेस्ट के लिए आएगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग, कम ऑन। ये टेस्ट हो रहा है, देखिए मेरा इनकमिंग सक्सेस हो चुका है और मेरा सेंड टेस्ट भी सक्सेस हो चुका है। क्लोज करता हूँ, फिनिश करता हूँ और मैं अपनी इस एप्लीकेशन को डिफ़ॉल्ट बना के, और अब मैं आउटलुक को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने आउटलुक मेरा स्टार्ट किया यहाँ से, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, आउटलुक यहाँ से भी जा सकते हैं आप, एक ही बात है। यहाँ पर देखिए मेरा जीमेल जो है स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर मैं इनबॉक्स में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे मेल आना शुरू हो जाएंगे। देखिए मेरे मेल आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा लेटेस्ट मेल Google 3 सिक्योरिटी अलर्ट्स है, मेल टू आउटलुक टेस्ट है, यहाँ पर सारी चीज़ें आ चुकी हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का अलर्ट है पर मेरा सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आप मेल कर भी सकते हैं, रिसीव सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम इसी तरीके के हम वीडियोज़ लेकर आते हैं जो नॉर्मली ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जिनके सोल्यूशन थोड़े से कम मिलते हैं या एक टाइम में ज़्यादा मिलने जाएंगे, तो इसी तरीके जो है कि हम वीडियोस बनाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम इसी तरीके से, अगर आपका हमें सपोर्ट मिलता रहा तो हम इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।